कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। सोच बदलो देश बदलेगा, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरण। मुंबई सहित पूरे हिंदुस्तान में नेताओं और अभिनेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। चुनाव प्रचार खत्म होते ही मुंबई की सेवाभावी संगठन बाल संस्कार मित्र मंडल गणेश मंदिर, जो समाज हित के लिए 1997 से लगातार कार्य कर रही है, इस संस्था के माध्यम से मुंबई के प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर के सामने दादर रेलवे स्टेशन के पास नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एड्स, टीबी, नशा मुक्ति और बेटी बचाने के लिए जन जागरण किया गया। उक्त अवसर पर बॉम्बे स्टॉकिस हाई स्कूल के कक्षा 9 से 11 के विद्यार्थियों सहित समाज सेविका वृंदा शेंगड़े उपस्थित रही। उक्त अवसर पर रत्नदीप बंसोड़े उनकी टीम ने नुक्कड़ नाटक मंचन कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। मुंबई की सेवाभावी संगठन बाल संस्कार मित्र मंडल गणेश मंदिर के अध्यक्ष सुधाकर मच्छा के मार्गदर्शन और अध्यक्षता में स्वामी नारायण मंदिर के पास दादर माटुंगा रेलवे स्टेशन, फाइव गार्डन, वडाला रेलवे स्टेशन, खालसा कॉलेज के पास 15 मई से शुरू होकर 19 मई तक लगातार 5 दिन जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इससे मुंबई के नागरिकों को लाभ मिलेगा। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। यह नुक्कड़ नाटक पेश करते हुए हम किसी भी तरह का मेगाफोन या फिर माइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारी आवाज आप तक पहुंच सके। तो जो लोग भी दूर से देख रहे हैं, जो लोग भी यहाँ से दूर से देख रहे हैं, कृपया करके थोड़ा थोड़ा नजदीक आइए ताकि हमारी आवाज आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बाल संस्कार मित्र मंडल और जनहित ग्रुप आपके सामने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक पेश कर रही है, जिसका नाम है सोच बदलो देश बदलो, सोच बदलो देश बदलो। दोस्तों, इस नाटक का कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री में है नाटक, कुछ भी पैसा नहीं है। तो जो लोग नजदीक आइए, सिर्फ 5 मिनट का नाटक है। इस नाटक के द्वारा आपका मनोरंजन होगा, सेहत भरी जानकारी मिलेगी। छोटा सा नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है सोच बदलो देश बदलो, सोच बदलो देश बदलो। प्रजा का छोड़ वो
रानी सरकार का काम किया कि नहीं? हाँ, वो रानी सरकार की तरह महाराज रानी सरकार दरबार में। हाँ हाँ, क्यों क्यों? ओ, मुझे उनसे काम करना था। ए, 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 उनका काम करना था। अच्छा, उनका काम करना था। आ, क्या काम करेगा? अरे मैंने आपको क्या बोला था? क्या बोला था? आपका सारा काम मैं करूंगा ना। बोला था? हाँ बोला था। सही बोला ना? हाँ। तो आप क्या क्या करते हो? क्या करते हो? लाजी पोछते हो? हाँ। झाड़ू मारते हो? हाँ। इतना ही नहीं? रुक रुक रुक, आप जाओ, हमारा पर्सनल मामला, आप जाओ जाओ। हाँ। सुनेंगे तो पूरा बवाल कर देंगे। छोड़ो, आप क्या करते हो? क्या करते हो? आप झाड़ू मारते हो? आपके बलगम की वहाँ पे जांच होती है, ये सारा इलाज वहाँ पे फ्री होता है। और हाँ, वहाँ जाने के बाद आपको इलाज पूरी तरह से फ्री और सामने दिखा के होता है, ये पता है? नहीं नहीं, पता ही नहीं था मुझे, अब मैं जाऊँगा। दूसरी बात, अभी सरकार ने ऐसी अनुदान योजना लागू की है जिससे आपके खाते में तुरंत पैसे भी आते हैं और वो पैसे का इस्तेमाल आप खुराक खाने के लिए कर सकते हैं, मतलब दवाई भी और खुराक भी। अच्छा, सेहत के लिए सरकार की ओर से पैसे आते हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। तो जाएगा ना तू? हाँ जाऊंगा। जाएगा? अरे अभी जाऊंगा। जाओ जाओ। और एक बात सुन, हाँ। कभी भी टीवी के वक्त भीड़ भाड़ के इलाके में तुझे नहीं जाना है। हाँ। ट्रेन, बस, किसी मूवी के हॉल में, वहाँ पे तुमको नहीं जाना है। जब भी खांसना है हाथ रखना है या रुमाल रखना है, ऐसे ऐसे। हाँ, अपनी निजी वस्तु जो पर्सनल चीजें है उसको अलग रखना है, क्योंकि ये बीमारी किसी और तक ना पहुंचे, ठीक है? समझ गया ना? तो चल चलते हैं। हाँ चलो। डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर? अरे सुरेश जी, हाँ आपको बेटी हुई है, मुबारक को। क्या बेटी हुई? अरे यार शिर, अरे फिर से एक बार बेटी ना? नेगेटिव रिएक्शन? निगेटिव नहीं, रिएक्शन मतलब क्या? अब मेरे माँ को पता चलेगा तो माँ पूरा परेशान कर लेगी, फिर से बेटी हुई मर करके। क्या बात कर रहे हो? माँ किधर है? माँ क्या हुआ? फिर से बेटी हुई? ओ नो बेटी, मैंने बोला था इससे शादी मत कर। हाँ इसके कल मुझे है, इसे डिवोर्स देना चाहता हूँ मैं। हाँ दूसरी शादी। हाँ अरे अरे, ये क्या, आप भी अपने बेटे को सपोर्ट कर रही है कि शादी कर ले, दूसरी कर ले, डिवोर्स कर ले? ऐसा नहीं होता। आपकी सोच एक छोटी सोच है, आपकी ये जो सोच है बहुत गलत सोच है। आज के जमाने में बेटा बेटी समान है। आज के जमाने में बेटा बेटी एक साथ कंधे से कंधा मिलाते, हर क्षेत्र में काम करते, हर क्षेत्र में एक साथ रहते। मुझे बताइए, अगर आपकी माँ नहीं होती, ये बेटी नहीं होती, तो आप ये वंश का दिया ये कहाँ से आता? हर बेटी में हर एक माँ होती है और हर एक माँ से एक वंश का दिया होता है। इसलिए ये भेदभाव मत कीजिए, माँ है तो बेटा है तो ही वंश का दिया है। अगर ये सोच के भी आपको शादी करनी है तो कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, माँ तुम्हें समझ में आया ना?
मैं समझ गई हम घर का चिराग होता है, बेटी भी घर का चिराग होता है। हम अब अच्छे से बेटी के साथ जी रहे हैं। संपर्क आने पर या फिर असुरक्षित शारीरिक यौन संबंध करने पर ही होती है। जैसे देखो, पहला कारण असुरक्षित शारीरिक संबंध, मतलब बिना कंडोम से किया जाने वाला शारीरिक संबंध। दूसरा कारण असुरक्षित सुई या सिरिंज के सामान्य प्रयोग से। तीसरा कारण असुरक्षित खून कराने से। और चौथा कारण गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे को। ये चार प्रमुख कारण की वजह से ऐसा ही होता है, समझे? अरे लेकिन इसका कुछ इलाज है कि नहीं, इतनी बड़ी बीमारी है तो? देखो, इसका इलाज है। इसका एक इलाज ये भी है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसका होने वाला बच्चा सही सलामत बाहर निकाला जा सकता है। कैसे? नेवरेपिन नाम की एक गोली है मार्केट में। क्या क्या? नेवरेपिन? नेवरेपिन, हाँ, जो डिलीवरी के दरमियान औरत को दी जाती है, उसका बच्चा सही सलामत निकलता है। बराबर है?
दूसरी बात कॉन्डम का इस्तेमाल करो, हर बात साथी चाहे कोई भी हो, औरत आदमी या फिर हो कोई भी थर्ड जेंडर, आपको हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करना है। जैसे बाइक चला रहे हो, बाइक चलाओ लेकिन हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, ये सुरक्षित तरीका है, ठीक है। कॉन्डम का एक फायदा ये भी है कि खुद के रोगों से भी बचा जा सकता है, और हमें बच्चे अगर ना चाहिए तो उस पर भी इस्तेमाल होते हैं, मतलब वो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। एक कॉन्डम के फायदे तीन है, कॉन्डम एक फायदे है। दूसरी बात, अगर मुझे एच आई वी है ये टेस्ट में पता चलता है, जैसे एलाइजा टेस्ट कहते हैं जो सरकारी अस्पताल में होती है, तो उसमें मायूस नहीं होना है। डॉक्टर जो भी सलाह देंगे, हमें नशा छोड़ना है, अच्छा खान पान रखना है, बुरी आदतें छोड़नी है, इसके साथ साथ आप दीर्घायु जी सकते हो। एच आई वी का मतलब मौत नहीं है, समझे? हाँ, तो समझ गए ना। हाँ, मैं अभी जाता हूँ और एच आई वी के पहले टेस्ट करता हूँ। टेस्ट करना बराबर है, ठीक है। हाँ चलो। तो दोस्तों देखा, हमारी सेहत अच्छे से रखना, हमारी सेहत अच्छी रखना हमारे हाथ में होता है। दोस्तों अगर हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। इस समय है हम घाट दादर रेलवे स्टेशन के बाहर स्वामी नारायण मंदिर के पास। यहां पर एक संस्था है बाल संस्कार मित्र मंडल की तरफ से बेटी बचाओ और तरह तरह के जन जागरण अभियान के लिए यहाँ पर इन लोगों का मुहिम निकला हुआ है। आइए हम जानते हैं इस में शामिल होने वाली, क्या नाम है आपका? रोशनी। आप कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम। कौन से क्लास में? 11th ग्रेड में। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? हम सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं। 3, 2, 1 माँ नहीं तो बेटी नहीं, बेटी नहीं तो बेटा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आप बताइए। कि अगर माँ नहीं है तो बेटी और बेटा दोनों नहीं हो सकता, तो और माँ भी एक कभी कभी एक बेटी ही थी, इसलिए तो माँ नहीं तो बेटी भी नहीं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि बेटी है तो माँ है? हाँ। तो क्या कुछ मुंबई में या कहीं बेटियों की कमी लग रही है या बेटियों के साथ अन्याय लग रहा है जो आपको यहाँ पर आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है, आपको क्या लग रहा है? पर हमारे देश में बाहर के गाँव में उधर बेटियों और बेटों में फ़र्क पड़ता है, इसलिए मतलब बेटियों के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। हाँ। तो आप लोग बेटियों को बचाने के लिए आज सड़क पर उतरी हैं। हाँ। और कोई कुछ बोलेगा? बेटी और बेटों दोनों समान होते हैं, इसके इस बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।